वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में किए जा रहे विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण और दीपावली समारोह का आयोजन गांव के ही परिसर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, संत प्रसाद, शीतल पांडे, महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, प्रदेश मंत्री कामेश्वर सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, स्थानीय प्रधान मुन्ना बिभ्राट चंद्र कौशिक, बंधु उपेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया तथा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में ₹215.1 लाख की लागत से कुल 6 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर गांव के विकास के लिए लोगों को दीपावली की सौगात दी, जिसमें ₹151.66 लाख की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा ₹63.35 लाख की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा सीएम ने 10 स्कूली बच्चों को ड्रेस व स्वेटर, 10 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास के प्रमाण पत्र, 3 को विधवा पेंशन, 4 को वृद्धावस्था पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन के 3 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि इन गांवों में 100 वर्षों के बाद नई खुशी आई है। वर्षों से इन गांव के लोग विकास की योजनाओं से अछूते थे। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गांव में सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। इन गांवों में वृद्धावस्था के 61, विधवा के 27, दिव्यांग के 12, राशन कार्ड के 424, शौचालय के 474, स्वयं सहायता के 9 समूह, मनरेगा के 292 जॉब कार्ड, इंडिया मार्का के 3 हैंडपम्प, 9 सोलर लाइट, प्राथमिक विद्यालय, 366 सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त गांव में 4.75 किलोमीटर खड़ंजा का कार्य हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह प्रदेश के सभी वनटांगिया गांवों में इन योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि महाराजगंज के 18, बलरामपुर के 5, गोंडा 5 तथा गोरखपुर के 5 वनटांगिया को राजस्व गांव का दर्जा दिया जा चुका है। बहराइच के वनटांगिया गांव को भी राजस्व गांव का दर्जा देने की दिशा में कार्य चल रहा है। लखीमपुर खीरी में भी इसी प्रक्रिया को तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 वर्षों से राजस्व गांव की मांग इन गांवों के द्वारा की जा रही थी, जिसे प्रदेश सरकार ने पूरा कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़कर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराने का कार्य किया है। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के विकास के लिए कार्य कर रही है। कुष्ठ रोगियों को आवास मिलेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से बचे हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास हमारे जीवन में खुशहाली ला सकता है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा, धन्य है यह मंच और आशा पुत्र जो आप यहाँ पर हैं।
समस्त सम्मान जेंटर निधिगण सारे जयमानस दीपावली के पावन पर्व पर गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा के भंडारिया क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमन और वंदन। हमारी संस्कृति को अपने अंदर धारण करते हुए स्वागत की कड़ी में मैं आयुक्त गोरखपुर मंडल से अनुरोध करती हूँ कि वह मंचासी मुख्यमंत्री करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के दिले में बात करने वाले पूज्य महाराज जी मंजाल सिंह माननीय विभक्त विधायक विप्राय महिपाल सिंह जी विधायक सजनवा माननीय शीतल पांडे जी माननीय विधायक धकनी संत प्रसाद जी क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी गोरखपुर सदर सभा विधानसभा के लोकसभा के प्रत्याशी रहे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी जिला अध्यक्ष आदरणीय जनार्दन तिवारी जी महानगर के अध्यक्ष भाई राहुल श्रीवास्तव जी सामने हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के सभी भाई प्राथमिक विद्यालय की छात्र छात्राओं को रस लेकर की
दीपावली के इस पावन पर्व पर कुमारी खुशी, छात्र मुकेश, श्रीमती सुंदर वृद्धावस्था पेशेंट की यह महिलाएं इसी क्रम में विधवा पेशेंट के लिए मंच पर मोनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विधवा पेशेंट के प्रमाण पत्रों के साथ मंच पर मोनी ठीक उसके पीछे चंद्रा विधवा पेंशन की श्रृंखला में अगला नाम चंद्रा विंद्रावती विधवा पेंशन की योजना में अगला नाम विंद्रावती तदुपरांत दिव्यांगजन दिव्यांगजनों को लाभार्थी की श्रेणी में सरस्वती श्री हरीशन लाइव चला था श्रीमती मुंडी बोले क्या दीपावली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री महोदय के जनमानस को अभिव्यक्त करने के लिए उनके उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री देश में लोकार्पण करें लोकार्पण बोलिया माई के स्थान का सौंदर्यीकरण वर्धा के राजस्व ग्राम आम बाग में मनरेगा योजना अंतर्गत कराए गए मिट्टी और खनिज कार्य साथ ही साथ वर्धा के राजस्व ग्रामों में 17 पीटीएसटी का निर्माण दीपावली के ये सब पावन पर्व पर बंडागिया गांव जनरल तिलकोनिया नंबर 3 के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्र पाल सिंह जी,
माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण से महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, विद्या वाहिनी के प्रदेश के महामंत्री श्री डी के मौर्य जी, पूर्व प्रमुख श्री गजेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री संतलाल यादव जी ग्राम गणेश जी, राजेंद्र प्रताप सिंह जी ग्राम प्रधान मुन्ना जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण उपस्थित भाइयों बहनों, आज दीपावली का पावन पर्व है। आप सबको मैं दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का है पावन पर्व आप सबके जीवन में नया उमंग लाए, नया उत्साह लाए, नई खुशियां आपके जीवन में इसी प्रकार से आच्छादित हो, इस बात की शुभकामना को लेकर के आज मैं एक बार पुनः आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। लगभग 100 वर्ष के बाद इन बनटांगिया गांव में लोगों के जीवन में एक नई खुशी आई है और मुझे लगता है कि वर्षों से जो आपकी भावनाएं दबी हुई थी कि हम भी राजस्व गांव होते तो हम भी शासन के सभी योजनाओं के लाभार्थी बन जाते, हमारे भी पक्के मकान होते, हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ पाते, हमें भी पेंशन योजना का लाभ मिलता, हमें भी राशन कार्ड मिलता, हमें भी मकान मिलता, हमें भी शौचालय मिलता, हमें भी बिजली मिलती। वह कामना पूरी हुई है जब विगत वर्ष गोरखपुर के 5 राजस्व गांवों को, 5 बनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। गोरखपुर की तर्ज पर हम लोगों ने 18 गांव महाराजगंज में, 5 बलरामपुर में, 5 गोंडा में, इन सभी गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया है। 42 के गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। ऐसे लखीमपुर खीरी पीलीभीत में भी इस प्रक्रिया को और तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्व गांव होने के बाद इन लोगों को यहां पर शासन की ढेर सारी योजनाओं का लाभ मिला है और मिल भी रहा है। खासतौर पर जो मैंने पहले भी यहां पर बताया कि एक बड़ी आबादी यहां पर रहती थी, उन्हें न सड़क उनके पास थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, उन पर राशन कार्ड था, न पेंशन की किसी भी प्रकार की सुविधा थी, उनके बच्चे स्कूल भी नहीं पढ़ पाते थे। और आज पिछले एक वर्ष के दौरान प्रशासन ने मदद करके अधिकतर योजनाएं बनटांगिया गांवों तक पहुंचाने का कार्य किया है। और जो लोग बचे होंगे जहां पर चकबंदी की प्रक्रिया या अन्य कारणों से जमीन के आवंटन की कार्रवाई नहीं हो पाई है, उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, उनको छोड़कर के शेष अन्य गांवों को हम लोगों ने वहां के लाभार्थियों को शासन की लगभग सभी योजनाओं से आच्छादित किया है। और मुझे लगता है कि लगभग 100 वर्ष के बाद जिन लोगों के जीवन में ये खुशी आई है, सचमुच उनकी दीपावली उनके लिए तो बहुत शुभ दीपावली है। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे पर्व त्योहार होते ही है सामूहिक रूप से मनाने के लिए, हमारी परंपरा दे रही है कि हम एक दूसरे के सुख में, एक दूसरे की खुशी में खुशियों को बांट सके,
और एक दूसरों के दुख में भी उसके दुख के साथ सहभागी बन सके। मानव जीवन ही मिला है हमको एक दूसरे के साथ सामुदायिक भावना के साथ कार्य करने के लिए, और उस भावना का परिचय हमें केवल सामान्य जीवन में ही नहीं पर्व त्योहारों के अवसर पर, विशिष्ट अवसरों पर भी हमें उसका परिचय देना चाहिए। मैं विगत 10-12 वर्षों से इन पटाया गांव में आता रहा हूं। मैंने यहाँ की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा है, यहाँ के बच्चों को बड़े होते हुए देखा है और उनके माध्यम से विरक्षता भी मैंने देखी है। और इसे 10 वर्ष पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक हिंदू विद्यापीठ की स्थापना का कार्य भी प्रारंभ किया था। आज मैं कह सकता हूं कि इन गांवों में भी इनके बच्चों के लिए सरकार का विद्यालय होगा, जहां पर इन बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों को शासन की सभी प्रकार की सुविधाएं मिल पाएंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने जहां यहां पर 215 लाख रुपये की लागत से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया है, 2,15,00,000 का कहीं पे सड़क का कार्य होना है, कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण होना है, कहीं स्कूल का निर्माण कार्य होना है, वहीं इससे पहले पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सोलर लाइट की व्यवस्था, साथ साथ यहाँ पर पेंशन की योजना और बच्चों को यूनिफॉर्म देने का कार्य, राशन कार्ड वितरण का कार्य भी यहाँ पर संपन्न हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले जिस गांव में हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जनपद त्रिकोणिया नंबर 3 है, इसमें वृद्धा पेंशन के 61 लाभार्थी हैं, निराश्रित महिला पेंशन यानी विधवा पेंशन के 23 लाभार्थी हैं, दिव्यांगजन पेंशन के 12, राशन कार्ड के 424, शौचालय यहाँ पर कुल बने हैं 474, मुख्यमंत्री आवास योजना में यहाँ पर 423 लाभार्थियों के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 9 समूह का गठन करके 5 समूह को रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया जा चुका है, मनरेगा के अंतर्गत 292 जॉब कार्ड निर्गत किए गए हैं, जल निगम की ओर से यहाँ पर 3 इंडिया भर का हैंडपंप और इसके अलावा यहाँ पर अन्य पेयजल की व्यवस्था की गई, मेवा के द्वारा 9 स्ट्रीट सोलरलाइट का निर्माण यहाँ पर किया गया है, एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है, 266 बच्चों को प्राथमिक व 31 बच्चों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन भी यहाँ पर हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, रूरल बैकवर्ड पॉवर्टी योजना के अंतर्गत 203 लाभार्थी यहाँ पर है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत 366 कनेक्शन दिया जा चुका है, और संपर्क मार्ग में यहाँ पर 4.75 किलोमीटर लंबाई में खरंजा का निर्माण कार्य यहाँ पर, ये सब कार्य या तो संपन्न हो चुके हैं या फिर कार्य यहाँ पर इनके निर्माणाधीन है। ऐसे पांचों के पांचों जो बनटांगिया गांव है या महाराजगंज से जो गांव, महाराजगंज से जो बनटांगिया गांव है, गोंडा बलरामपुर जहां ये गांव है, उन सभी गांव में इन योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और इसलिए बच्चों, आप सबके दीपावली का पर्व इससे अच्छा दूसरा नहीं हो सकता कि पिछले 100 वर्षों से जो एक मान थी और आजादी के बाद से 70 वर्षों से जो एक मान आप लोग राजस्व गांव के रूप में कर रहे थे, उस मान को सरकार ने यथासमय पूरा किया और शासन की सभी योजनाओं का लाभ आप सबको उपलब्ध करवाया है, प्रयास किया है। इसमें मुख्य रूप से मैं पिछले दिनों महाराष्ट्र के समय में बुढ़िया माई के स्थान पर गया था और वहां पर मैं देख रहा था भीड़ बहुत है,
लेकिन सड़क ही नहीं थी। बुढ़वाबाई के बगल में भी एक गांव पड़ता है, बंटाइया गांव होती है, तो वहां पर हम लोगों ने एक सड़क सुंदरीकरण के इंटरलॉकिंग का कार्य होगा तो उसमें 43,13,000 रुपए उसके लिए दिए हैं। आज उसका शिलान्यास का कार्य यहां पर संपन्न हो रहा है। इसी प्रकार से बंटाइया राजस्व गांव आमबाग में मिट्टी और खड़ंजा का काम यहां पर किया जा रहा है, जिसमें 17,70,000 रुपए। इसी प्रकार से बंटाइया राजस्व गांव में 17 लाख ईटीएसपी निर्माण के लिए 56,70,000 रुपए। गांव की प्रभावी सुरक्षा है तो बंटाइया राजस्व गांव त्रिकोणियम नंबर 3 में मनरेगा योजना अंतर्गत गोरखपुर पिपाई मार्ग से पिपाई हृदय पर त्रिकोणिया रेंज अंतर्गत वन मार्ग पर खड़ंजा कार्य, इसके लिए 82,77,000 रुपए इसके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। और बंटाइया राजस्व गांव जंगल त्रिकोणिया नंबर 3 में यहां पर राज्य वित्त और चौधरी वित्त के अंतर्गत मिट्टी खड़ंजा सोलर स्ट्रीट लाइट आदि पर 6,65,000 रुपए बंटाइया राजस्व गांव जंगल त्रिकोणिया नंबर 3 यहां पर ICPS के कन्वर्जन से आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी 8,06,000 रुपए यहां पर आज इन सब कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। यानी एक साथ जो आपकी आजादी के बाद से पिछले 70-72 वर्षों से मांग थी कि हम भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें, आज उस योजना का लाभ आपको हमारी सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक बड़ी बात है, आज अगर हम इन सब कार्यों को कर पा रहे हैं तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिन्होंने शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद कहा था कि हमारी सरकार बिना भेदभाव समाज के हर तबके के हितों के लिए कार्य करेगी, बिना भेदभाव के, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद। अगर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को दी जा रही है, तो जो लोग 70 वर्षों से जाति के आधार पर आपको विभाजित करते थे वे लोग कभी आपको आपका हक नहीं मिला पाए। आपके हकों में सड़कों पर संघर्ष नहीं किए होंगे, केवल जातीय का भड़का करके आपका शोषण करते रहे, आपको उत्पीड़न करते रहे, लेकिन ईमानदारी के साथ उन लोगों ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि बंटाइया गांव हो, मुसर गांव हो, थारू जनजाति से जुड़े हुए गांव हो, या फिर वे अति पिछड़ी और दलित जाति से जुड़े हुए गांव हो, या उन लोगों को भी शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अगर सोचा होता जो लोग जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, अगर इस बारे में सोचा होता तो मुझे लगता है कभी भी जिस देश ने आजादी के प्रथम 10 साल हर गरीब को राशन कार्ड मिल गया होता, लेकिन सोच ही नहीं थी। ये सोच तब पैदा हुई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर मोदी जी ने जब इस बात की घोषणा की कि हर गरीब के पास सिर रखने के लिए छत होनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई भेद नहीं, न जाति का, न मत का, न मजहब का, न संप्रदाय का, न क्षेत्र का, न भाषा का। जो भी जरूरतमंद है, जिनके पास अपना आवास नहीं, उसको एक एक आवास उपलब्ध होगा।
जो लोग जुड़ेंगे उनको हम बाद में देंगे, जिनके नाम पहले से सूची में है उनको पहले चरण में आवास उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी वंचित नहीं रहेगा। अकेले डेढ़ वर्ष में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 17 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराया है, 1.5 करोड़ से भी गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाया है, 75 लाख से भी गरीबों को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया है, 90 लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस का एक एक कनेक्शन उपलब्ध करवाया है, और अभी हम लोग 3.5 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिनके पास आजादी के बाद कभी राशन कार्ड नहीं था उनको भी राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई भी वृद्धा जो वास्तव में पात्रता रखती हो पेंशन उसको हर हाल में मिलना चाहिए। हम लोगों ने इसका आदेश जारी कर दिया है और उसका मैं फंटांगिया गांव से आज हमने शुरुआत की है कि यहाँ पर जितनी भी वृद्धा होंगी जो पात्रता की श्रेणी में है उनको पेंशन उपलब्ध होगा। निराश्रित और विधवा महिलाओं को पहले 60 साल से कम की उम्र में उनको पेंशन नहीं मिलता था, हमने एक आयु सीमा समाप्त कर दी। हमने कहा निराश्रित महिला निराश्रित है उसको पेंशन मिलना चाहिए, और ये भी तय किया जितनी भी निराश्रित महिलाएं हैं प्रदेश के अंदर उन सबको पेंशन मिलना चाहिए। अभी मैंने पिछले दिनों इसका आदेश जारी किया है और आज पेंशन की सुविधा उन लोगों को उपलब्ध करवाई गई। ऐसे ही दिव्यांगजनों के लिए जितने भी दिव्यांगजन होंगे हर सोमवार को सेवा कार्यालय में उनका सर्टिफिकेट बनेगा और प्राथमिकता के आधार पर उनको भी पूरे प्रदेश के अंदर पेंशन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। जितने भी कुष्ठ रोगी होंगे उन सबको एक एक आवास मिलना चाहिए, इसका आदेश हम लोग पहले ही जारी कर चुके हैं। और इसके साथ ही जहां पर जो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित नहीं हो पा रहे थे उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करके सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। जब सरकार का एजेंडा साफ है, विकास का है, बिना भेदभाव का है, तो फिर जातिवाद कहां से आ जाता है, क्षेत्र और भाषा का बात कहां से आ जाता है। और इसीलिए आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि विकास हमारे जीवन में खुशहाली ला सकती है, एकमात्र विकास हमारे जीवन में हमेशा दीपावली जैसी खुशी ला सकती है, होली जैसा उमंग ला सकता है, और इसके लिए हम सबको तैयार होना होगा, विकास की ओर फोकस करना होगा अपना दृष्टिकोण। आज उसी का परिणाम है महिला स्वयंसेवी समूह को गठित करके 5 महिला स्वयंसेवी समूह अकेले इस गांव में गठित हुई है और मैं चाहूंगा इस गांव में और भी महिलाओं का स्वयंसेवी समूह गठित करके उन्हें अलग अलग कार्य को किसी को डेयरी के लिए, किसी को बकरी पालन के लिए, किसी को सब्जी उत्पादन के लिए, किसी को यहाँ पर पत्तल बनाने के कार्य के साथ जोड़ते हुए, किसी को किसी सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जोड़ते हुए अगर हम ये रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराते हैं एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। मेरा मानना अगर महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी पूरा परिवार आत्मनिर्भर हो जाएगा और उस आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने की दिशा में बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज यही को फोकस हो रहा है। हम लोगों ने प्रयास किया है आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक वर्ष में 5 लाख तक की निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कर ले सकते हैं। भाइयों बहनों इससे बड़ी योजना इससे पहले नहीं थी और दुनिया में भी कहीं इस प्रकार की योजना नहीं थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे, कितना बड़ा कार्य हुआ है, बड़े बड़े विकास के कार्य भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल इन कार्यों को यहीं तक सीमित कर दिया हो। गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना बन रहा है, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके इससे एम्स का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है,
सुंदरीकरण की योजना चल रही है, गोरखपुर में चिड़िया घर भी बन रहा है और गोरखपुर को जोड़ने वाले जितने भी मार्ग हैं उन सभी मार्गों को फोर लेन बनाने की कार्रवाई, गोरखपुर से वाराणसी, गोरखपुर को सुनामी, गोरखपुर को देवरिया, गोरखपुर को महाराजगंज, गोरखपुर शहर के अंदर से भी फोर लेन बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। बड़े बड़े कार्य भी किए जा रहे हैं। गोरखपुर में जो भी आवश्यकता हो, प्रदेश में जो भी आवश्यकता हो, उन आवश्यकताओं की पूर्ति इस आधार पर करने का प्रयास हो रहा है। मैं कल अयोध्या में था, अयोध्या में दीपावली का उत्सव अयोध्या से जुड़ा हुआ है, लेकिन दीपावली वहां पर उस भव्यता के साथ नहीं मनाई जाती। अयोध्या के प्रति लोग देश और दुनिया के बारे में अयोध्या को जानते हैं, लेकिन अयोध्या की दीपावली देखने के लिए उनके मन में एक तड़प होती थी। दीपावली जिस अयोध्या ने दिया उस अयोध्या में दीप न चले, ये रोशनी, ये जगमगाहट की रोशनी विकास और रचनात्मकता की प्रतीक है। और इसी को लेकर के ध्यान में लेकर के हम लोगों ने कहा कि देश और दुनिया उस शहर को अयोध्या के नाम पर मानता है। पहले उत्तर प्रदेश का नाम भी अवध और आगरा संयुक्त प्रांत था, हमने प्रांत छापा दिया और उसके बाद हमने जनपद का नाम भी नहीं रखा। कल हम लोगों ने तय कर लिया कि अब इस जनपद का नाम अयोध्या के नाम पर ही रहेगा और इसलिए कल हम लोगों ने उस कार्रवाई को वहां पर औपचारिक रूप से हम पूरा आगे करने जा रहे हैं। ये नाम हमारे स्वाभिमान और हमारे अतीत के साथ जोड़ता है, अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ता है। भारत के अंदर राम राज्य की परिकल्पना का आधार अयोध्या बनी थी। राम राज्य का आधार किसी प्रकार का कोई दुख जहां पर प्रजा को न हो, ना दैविक, ना भौतिक, ना आध्यात्मिक, जहां पर कोई भेदभाव किसी के साथ न होता हो, हर व्यक्ति निर्णय होकर के चल सकता हो, किसी को सुरक्षा का कोई खतरा न हो, उस अयोध्या को एक आदर्श नगरी के रूप में विकसित करने की तमन्ना को लेकर के हजारों हजार वर्षों से जो परिकल्पना थी उसको साकार करने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रामायण सर्किट के आधार पर अयोध्या उसके आसपास से खड़े हुए क्षेत्रों में विकास के धनराशि उपलब्ध कराई और हम भी प्रदेश सरकार के स्तर पर उसी तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में अयोध्या के लिए बहुत सारी विकास की योजनाएं, न केवल अयोध्या के लिए, प्रयागराज के लिए, काशी के लिए, मथुरा के लिए, गोरखपुर के लिए, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, प्रदेश के सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में, प्रदेश के सभी 653 नगर निकायों में विकास के एकार युक्त स्तर पर चलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज दीपावली के अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। एक बनकांडिया गांव में हर बच्चे को स्कूल जरूर भेजिए, कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए, इसका ध्यान यहाँ के मुखिया को देना होगा, यहाँ के ग्राम प्रधानों को देना होगा, प्रशासन भी इस बात को ध्यान रखे। दूसरा, हर परिवार के पास आने वाले समय में अपना एक पक्का मकान बन जाए, क्योंकि अब तक किसी के भी पक्के मकान नहीं है। पहले वन विभाग यहाँ पे पक्का मकान नहीं बनाने देता था, लेकिन राजस्व गांव बनने के बाद आप सबका अपना पक्का मकान होगा और इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना से आपके लिए आवास स्वीकृत किए हैं। हर परिवार के पास राशन कार्ड होना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। पेंशन, जो विधवा पेंशन की पात्रता रखते हैं, जो निराश्रित महिला पेंशन की पात्रता रखते हैं, जो दिव्यांग पेंशन की पात्रता रखते हैं, उन्हें इन सब योजनाओं के साथ जोड़ा जाए। और मैं मानता हूं अभी इनका नाम आयुष्मान भारत में नहीं होगा, क्योंकि एसीसीसी का जो सर्वे है ये सब तो सर्वे से बाहर थे। प्रयास करना चाहिए इनको सबको सर्वे करके सूची तैयार करने, आने वाले समय में हम लोग इन्हें भी आयुष्मान भारत की योजनाओं से भी आच्छादित करेंगे, जिसमें हर परिवार को एक वर्ष में 5,00,000 की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता के लिए सरकार पैसा उपलब्ध करा देगी। इस विश्वास के साथ
आज दीपावली का उत्सव एक बार पुनः आप सबके प्रति इसी प्रकार से ढेर सारी खुशियों का आधार बने। आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में दीपावली का एक पर्व इसी प्रकार की निरंतरता खुशियों को लेकर जाता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सब इस जंगल में रह करके इन जंगलों की रक्षा भी करेंगे और साथ साथ यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और यहाँ पर एक खुशी भरा माहौल अपने स्वयं के प्रसाद से लाने में सहयोग करेंगे। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हर विकास की योजना को आपके घर पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।